हे गाइस, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड एमएस वर्ड में पेज सेटअप कैसे करते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना हो, असाइनमेंट प्रिपेयर करना हो, या थीसिस डिसर्टेशन, जो भी आपका कॉलेज वर्क का होता है, उसके लिए स्टैंडर्ड पेज सेटअप किस तरह करें जो आप बुक बेंडिंग करते हो प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो या आपको क्लियर सुनाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आवाज़ में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस बहुत सिंपल है, कुछ उसके अंदर टिपिकल काम नहीं है। जो भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं, थीसिस होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है कि इस ये फॉन्ट साइज आप रखना चाहिए, ये फॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहिए, और पेज सेटअप टॉप में वन, बॉटम में वन, या लेफ्ट में वन। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट होता है कि वो किस तरह से पेज सेटअप करना है, कितना मार्जिन छोड़ना है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में पेज पे, और फॉन्ट साइज कौन सा होना है, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करता है, आपका कॉलेज का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो स्टैंडर्ड पेज सेटअप ये है कि आप पेज सेटअप में जाइए, आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से पहले Alt P S P। अगर आप विंडोज 7 से हायर वर्शन, एमएस ऑफिस 7 से हायर वर्शन यूज़ कर रहे हैं, तो शॉर्टकट की है पेज सेटअप जाने के लिए Alt P S P, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइए, Alt की पकड़िए, पी प्रेस कीजिए, उसके बाद दोनों की छोड़ दीजिए, उसके बाद एस पी प्रेस कीजिए, कंफ्यूज मत, ओके। Alt P S P पे सेटअप की शॉर्टकट की, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अब हम जो रखते हैं नॉर्मली टॉप पे क्या रखना है 1.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में 1.5 मार्जिन रखना है, बॉटम और राइट में 1.1 रखना है। लेफ्ट में 1.5 इसलिए रखना है क्योंकि बेंडिंग होने के बाद वो 0.5 मार्जिन जो है ना इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि बेंडिंग के लिए यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो जब बुक बेंडर जो है ना इसको हर जो आपका पेपर साइज होता है उसको कटिंग करता है कि फिनिशिंग लाने के लिए, तो आपके बुक को जो है ना चारों तरफ से थोड़ा सा कट करके उसके बाद उसको शेप में लाता है। तो इस तरह से आपको लेफ्ट में 1.5 रखना है, बॉटम में अगर 1 रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन 1.5 बेटर रहेगा। उसके बाद बॉटम में और राइट में 1.1 रख दीजिए, उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये लेफ्ट में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, ये इतना बेंडिंग के लिए जाएगा, बेंडिंग जाने के बाद ये और ये और ये सेम दिखेगा आपको, लेफ्ट और राइट सेम मार्जिन का। तो लेफ्ट में बेंडिंग मार्जिन के लिए 1.5 रखना है, बस इतना ही, कुछ इसके अंदर टिपिकल नहीं है, नो चुबा नस, नो चुबा चुचू, बहुत आसान है। तो याद रहे Alt P S P शॉर्टकट है पेज सेटअप में जाने के लिए, या आप नॉर्मली माउस यूज़ करके पेज सेटअप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्जिन सेट करना है, उसके बाद यहाँ पे पेपर में जाके आपको लेटर नहीं लेना है, आपको A4 लेना है, ठीक है। नीचे जाइए, यहाँ पे पेपर साइज A4 दिखेगा आपको, ये स्टैंडर्ड रहता है, तो पेपर आपको जो है ना A4 सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर दीजिए और ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। अगर आपके यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रोवाइड किया है कि लेफ्ट राइट मार्जिन इतनी रखनी है, फिर भी आप जो है ना लेफ्ट में थोड़ी मार्जिन एक पॉइंट या टू पॉइंट ज़्यादा ही रखिए, क्योंकि कटिंग के बाद बेंडिंग के बाद ये इक्वल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बस इतना ही है इस वीडियो के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर करना तो आप नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब या ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए बॉस। सो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।